हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो नई वाली बच्चिया जो है वाइट ब्लैक का, वो जो बैठी हुई है उस बच्चे का एक डिस्चार्ज है उसके बारे में हम लोग लेकर बात करेंगे, क्योंकि लगभग अभी उसका 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे लोग को शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं तो आज मॉर्निंग टाइम में जब मैं उठा था तो लगभग 5:30 बजे से ही सनलाइट इतना आ रहा था तेज़, मतलब धूप इतना कड़क लग रहा था कि कुछ कह नहीं सकते हैं। लाइट भी कट गया, हैंड मिल्किंग करने पड़ गया और धूप तेज़ लगने के कारण गाय हंपने लगी। गाय थोड़ा कम भी खाई, अभी के एक का भूसा छूट गया था, बाकी का हम तो कम आए एक्चुअली दिए थे, ग्रीन हमको ज़्यादा देना था तो एक फिर भी छोड़ दी। गर्मी की वजह से काफ़ी दिक्कत है, ये बरसात वाला गर्मी और ज़्यादा टफ लग रहा है। जब धूप पड़ रहा है जानवर को तो एकदम हालत ख़राब कर दे रहा है, गाय हंपने लग रही है, बच्चिया भी जो हमारी 1 मंथ जिसका हुआ वो भी हंप रही थी ज़्यादा। तो अभी हम लोग सभी को धुल दिए हैं बढ़िया से, यहाँ पे आपको सभी को धुला हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी धुला गई है जानवर हमारी, ये देख सकते हैं सभी को धुल दिया गया है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं इसका एक आपको स्क्रीन पे डिस्चार्ज देखने के लिए मिल रहा होगा। ये डिस्चार्ज से देखने में ऐसा लगता है, मानने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रेग्नेंट मान गई है, क्योंकि जिसका एक सर्किल आया था तो ये सर्किल में ये हीट में नहीं आई, तो अब हम लोग को चेक करना है सेकेंड सर्किल। हो सकता है कि 42वें रोज़ आए, तो 42 रोज़ अगर नहीं आती है तो इसका मतलब है कि ये प्रेग्नेंट मान जाएगी। और इसका रीज़न मैं बता दूं दूसरा और जानने का, जब भी गाय जो बछिया या गाय प्रेग्नेंट मान जाती है तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, वो खाने पे तेज़ हो जाती है, जैसा कि ये बछिया खाने पे तेज़ हुई है। तो ये सभी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा जब आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जाती है। तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है, अब इसका हर कुछ ऐसा देखने में लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट मान जाएगी। अबर देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। और इस बच्चे का भी 1.5 महीना कंप्लीट हुआ है, ये दोबारा हीट में नहीं आई है। इसका जैसे ही 2.5 महीना होता है हम लोग चेक करवा लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी बोल चाल नहीं की है। इसका एक पोछी से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि पोछी सामने नहीं रखेगी, पोछी टेढ़ करके रखेगी, ज्वाइंट पे नहीं रखेगी हम कंटिन्यू। तो ये चीज़ तो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे चेक करवा कर क्या होता है। और इस गाय के बारे में बात कर लूँ हम, इस गाय के तो इसको ब्लड आ गया था, जैसे ही हम लोग इसको सीमेंट डलवा कर 1 महीना हुआ इसका ब्लड आया, जिसके वजह से हम लोग ने अमीकासिन एक मेडिसिन का नाम है वो दवा इसके बजदानी में डाला गया, और उसके बाद 2 सीमेंट बढ़ा शाम सुबह करके। लेकिन एक फिर इसको आप होम स्क्रीन पर ये डिस्चार्ज देख सकते हैं, कल शाम का है, जो कि डॉक्टर साहब से हम लोग बात किए तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये रिपीट करे, यानी दोबारा हीट में आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। और नहीं अगर हीट में आती है तो ये मानने का चांस बोले, तो देखिए क्या होता है आगे चल के हम लोग दिखाएँगे आपको। और यहाँ पर हमारी रेड वाली बच्चा देख पा रहे, तो इसका हम लोग मिल्क रिकॉर्ड दिखाएँगे, बस 2 दिन और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अभी बता दूं कि हम बच्चिया को जो है बोतल से दूध पिलाना स्टार्ट किए हैं, तो इसके वजह से थोड़ा टाइम ले लेते हैं ताकि हाथ से जो है पहनान पूरा आ जाए, उसके बाद हम लोग दिखला देते हैं। और यहाँ पे आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं, इधर सिर्फ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा गंदा बच्चिया, यानी साफ बढ़िया से इधर नहीं हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, थैंक यू।